बरेली के आईएमए सभागार में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया है। इन्वेस्टर्स समिट के मुख्य अतिथि प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी, सांसद संतोष गंगवार और शहर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार, खंड विधायक संजीव अग्रवाल ने माँ सरस्वती की समक्ष दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान 500 निवेशकों ने 14,000 करोड़ के निवेश को अपनी सहमति दी है। वहीं बरेली में फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म, टेक्सटाइल, बायोफूल और इलेक्ट्रिकल डेयरी और साथ ही एमएसएमई के क्षेत्र में निवेश को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। कार्यक्रम में बरेली के उद्योगपति ने फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म, टेक्सटाइल और बायोफ्यूल समेत रोजगार के कई क्षेत्रों में निवेश का प्रस्ताव दिया। हम सबका परम सौभाग्य है, हमारे देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। जहां एक और देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों। 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं और 2017 से 2022 में ये सिद्ध करके दिखाया गया।